गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी बेसिस पार्ट वन अनअकैडमी। तो आज फिर से हम लोग शाम 5 बजे जुड़े हैं वाई फाई स्टडी पे, जहां टारगेट कर रहे हैं माय डियर एसएससी एमटीएस, जो रनिंग स्टील में एग्जाम चल रहा है, और फिर जीडी की। ठीक है, तो आई एम विजिबल और नॉट, उम्मीद करते हैं सब कुछ सही होगा, मेरी आवाज भी आ रही होगी प्रॉपर तरीके से, और आप बिल्कुल जहां होंगे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद से एक बात याद आता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद होगा मांझी द माउंटेन मैन, एक मूवी आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो प्रेरणादायक, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वैसे ही जब तक सिलेक्शन होगा नहीं तब तक पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं, है ना। गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। क्या ले भाई, कैसे हो आप लोग, जबरदस्त, है ना। चलिए शुरुआत करें, और आज 40 के बदले 30 सवाल है। क्यों सर 30 सवाल, इसलिए क्योंकि रात 10:05 पे आपकी क्लास है, तो आपको वहां भी देखना होगा, उसकी भी तैयारी करनी, इसीलिए आज आपको 30 सवाल पढ़ाएंगे। गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग, है ना। चलिए, और देखो एक चीज याद रखना कि जो बच्चे जुड़े हैं एसएससी सब्सक्रिप्शन लिए हो, आज मैं आपको बता दूं ये 13 अक्टूबर से बैच चल रहा है, और ये टाइमिंग कितने बजे है भाई, तो 12:30 बजे टाइमिंग है, 12:40 पे। तो आप मुझे इनरोल जरूर करिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मेरी क्लास कितने बजे होती है, मेरी क्लास कितने बजे होती है, है ना। तो याद रहे भाई, अभी भी बच्चे आज 20 तारीख और 21 तारीख तक ये ऑफर है, 24 महीने के साथ, 8 महीने, 12 महीने के साथ, 4 महीने, 6 महीने के साथ, 2 महीने। जब भी ज्वाइन करें आप हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, BA BA10 BA10। इसके अलावा अगर आपका संविधान में बिल्कुल पकड़ नहीं है या कमजोर है तो बिल्कुल आप जोड़ सकते हो हमारे साथ 9:05 पे, कहाँ, रेलवे कैटेगरी में, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग करें, मजबूत करें, और बिल बिल्कुल अपनी तैयारी पुख्ता करें, है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर मुझे सब बोलते हैं कि इतने दिन से तैयारी कर रही हो कुछ नहीं हुआ अभी तक, तेरे से बद दुख होता है जब लोग ऐसा बोलते हैं। देखो एक चीज समझना, ऊपर वाले ने दो कान दिया है, बीच में दिमाग, क्योंकि जो अच्छी बातें हैं उसे दिमाग में फंसाइए, जो बुरी बातें हैं जो बिल्कुल लगता है कि सर नहीं सुननी चाहिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से बाहर फेंक दीजिए। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, मेढक वाली कहानी सुने ना, चलो बीच में सुनाएंगे क्लास के बीच में। आइए सवाल नंबर 1 कहता है कि वेयर इज द लोकेटेड सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय कहाँ है, नर्मदापुरम, दिल्ली, मुंबई, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 1, वेयर इज द लोकेटेड सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय कहाँ है, बताइए सवाल नंबर 1 क्या होगा, सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय कहाँ है, नर्मदापुरम, दिल्ली, मुंबई, कोई नहीं, क्या होगा। यार सारे बच्चे स्मार्ट हो गए, बिल्कुल, कैसे स्मार्ट हो गए, बिल्कुल स्मार्ट हो गए, क्योंकि सर होशंगाबाद था, होशंगाबाद, और आपको पता है कि होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम किया गया, जो नर्मदा के किनारे है, जो नर्मदा के किनारे है, है ना। तो क्या होगा, अब जवाब निकल कर आएगा नर्मदापुरम, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर सवाल आपसे पूछा जाए भाई कि यूपी में प्रधानमंत्री का शहर, या भारत में प्रधानमंत्रियों का शहर किसे कहते हैं, अलाहाबाद को कहते हैं। अब अलाहाबाद की जगह ऑप्शन क्या देगा, प्रयागराज, क्यों, क्योंकि नाम चेंज हुआ है ना। अगर सवाल बनता है कि कुंभ का मेला यूपी में कहां आयोजन किया जाता है, अलाहाबाद, प्रयागराज, तो समझना नया नाम रखा गया है नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम बदल करके। ठीक है, एक बात और समझना माय डियर, कि यही होशंगाबाद और नर्मदापुरम है जो 2019-20 में गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी
उत्पादकता में नंबर वन था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? होशंगाबाद, जिसे हम नर्मदापुरम कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए। मोस्ट पॉइजोनियस फिश इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे जहरीली मछली, स्टोन फिश, लायन फिश, स्कॉर्पियन फिश या फिर स्टार्कजर मछली? क्वेश्चन नंबर दो। सवाल नंबर दो, स्टोन फिश। क्या भाई? स्टोन फिश सबसे जहरीली मछली अगर देखें तो स्टोन फिश है। सबसे विषैली ज्ञात मछली रिफ स्टोन फिश है। इसमें चट्टानों के बीच खुद को छिपाने की उल्लेखनीय क्षमता है, इसीलिए इसका नाम स्टोन फिश रखा गया। यह एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी मछली है जो शिकार के आने की प्रतीक्षा में समुद्र के तल पर बैठता है, और अगर ये परेशान करोगे इसे ना तो ये तैरने के बजाय अपनी पीठ के साथ 13 विषैली कांटों को खड़ा कर देता है भाई, इसीलिए इसे सबसे विषैली मछली कहते हैं। आप ये देख सकते हो, ये है सबसे विषैली मछली, देख रहे हो स्टोन फिश, देख रहे हो कैसे मुंह फाड़ रही है। परेशान करोगे तो ऐसे ही मुंह के अंदर डाल लेगी बिल्कुल। ये स्टोन फिश बहुत डेंजर मानी जाती है ना। एफिल टावर के निर्माण में किन तत्वों का प्रयोग किया गया माय डियर? आयरन स्टील एंड सीमेंट, स्टील एंड सीमेंट, आयरन एल्यूमिनियम एंड सीमेंट, आयरन कॉपर एंड सीमेंट। क्वेश्चन नंबर तीन, बताइए क्या होगा? सवाल नंबर तीन, ठीक है। तो एफिल टावर के निर्माण की बात करें तो क्या किन तत्वों का प्रयोग किया गया? लोहा, स्टील और सीमेंट यूज किए गए हैं। लोहा, स्टील और सीमेंट यूज किए हैं। दल बदल विरोधी विधेयक पारित होने पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड? राजीव गांधी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जय सिंह, शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर चार, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड? दल बदल विरोधी विधेयक पारित होने पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भाई, क्या होगा? ज्ञानी जय सिंह। वही ज्ञानी जय सिंह जो पोस्ट ऑफिस एक्ट को लेके पॉकेट वीटो जारी किया गया था, पॉकेट वीटो जारी किया गया था, जिसने भी राजीव गांधी लगाए। मैं आपको बता दूं, जहां तक जानकारी है राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं। जिसने भी राजीव गांधी लगाए, अपनी गाड़ी रोको, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, राष्ट्रपति पूछा है, प्रधानमंत्री नहीं। अगर प्रधानमंत्री पूछते तब आप राजीव गांधी लगाते? ज्ञानी जैल सिंह। और एकमात्र जो देखे सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो लोकसभा स्पीकर रहे हैं। कितने लोगों के चलान कटे हैं? इसलिए कहते हैं सवाल पढ़िए, ऑप्शन नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, क्यों ऑप्शन पढ़ते हो, सवाल नहीं? है ना, याद रहेगा। दल बदल विधेयक की बात करें माय डियर, तो दल बदल विरोधी विधेयक 1985 में संसद में पारित किया गया, लेकिन 18 मार्च 1985 को लागू हुआ था। यह याद रखिएगा, दल बदल जो विरोधी कानून का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। अनुच्छेद 102 का भाग 2 और 191 का 2 संविधान में दल बदल विरोधी से संबंधित हैं। ये आप याद रखिएगा, ये आर्टिकल 10वीं अनुसूची को 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 5, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताओ बच्चे। खालसा वाज फॉर्म्ड, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 ईस्वी में। गुरु नानक की बात करें तो 1469 में इनका जन्म तलवंडी, जिसे हम ननकाना साहिब कहते हैं, तलवंडी, और करतारपुर कॉरिडोर जो इनका कहें हम समाधि स्थल है ना। गुरु अर्जुन देव 5वें,
जिन्हें जहांगीर फांसी पर लटकाया, गुरु तेग बहादुर। नौवें जिन्हें फांसी पर लटकाया, कौन? औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के कितने राज्य पूर्वी तट से लगी हुई है? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड टू द ईस्टर्न कोस्ट? भारत के कितने राज्य पूर्वी तट से लगी हुई है? 3, 4, 5, 9। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के कितने राज्य पूर्वी तट से लगी हुई है? 4 राज्य। टोटल 9 राज्य हैं, 5 पश्चिमी तट, 4 पूर्वी तट, टोटल नौ। अब ये देख लो, तो ये पश्चिमी तट की बात करेंगे। पश्चिमी तट से कौन कौन? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8, वेस्ट बंगाल 9। यानी कुल मिलाकर पूर्वी घाट तट की बात करें तो 4 हैं, पश्चिमी तट की बात करें तो 5 हैं, है ना? याद रखिएगा, बिल्कुल टोटल 9 है। सबसे बड़ा गुजरात है और सबसे छोटा गोवा। ये देख लो, ये छोटा सा बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड? विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्विक, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड? विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कितने लोगों के चालान कटते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। चलिए, जितने भी चाइना लगाए हैं, सबने अपने अपना किसी को जवाब बदलना है क्या? लास्ट चांस है, मैं जवाब बदलने के लिए आपको मौका दे रहा हूं। किसी को जवाब बदलना है या बिल्कुल 100% फैक्ट है? अगर मैं कहूं चाइना गलत है तो क्या कहूं? अगर मैं कहूं चाइना गलत है तब? कैसे? आ जाओ देखो, समझाते हैं। यहां पर आपको पूछा गया लौह अयस्क यानी आयरन ओर। अगर बोलते हम आयरन की बात करते, लौह की बात करते, तब होता चाइना। जैसे कैसे? अगर हम बात करें बॉक्साइट का, सबसे ज्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सबसे ज्यादा अल्मुनियम की बात करें हम तो चाइना। बात आई समझ में? तो आयरन ओर होगा, लौह अयस्क होगा, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। अगर केवल लौह की बात करते, तैयार आयरन की बात करें हम, तो क्या होगा? चाइना होगा। वैसे ही जैसे बॉक्साइट सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में, एल्युमिनियम के मामले में चाइना, तो आयरन ओर सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में, फिर दूसरे नंबर पे ब्राजील, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे भारत। और प्रोडक्शन आयरन की बात करें तो नंबर 1 पे चाइना, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे ब्राजील, चौथे नंबर पे इंडिया, है ना? याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट की बात करें, तो 2020 में कुल 900 मिलियन टन उत्पादन के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक देशों के पहले स्थान पर है। कुल विश्व उत्पादन का लगभग 37.5%, है ना? वर्ल्ड स्टैटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व सांख्यिकी दिवस की तारीख को मनाया जाता है? 29 जून, 5 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 22 दिसंबर। सवाल नंबर 8। बताइए सवाल नंबर 8। क्या हुआ? दिल गलती कर बैठा? फिर दिल गलती कर बैठा भाई? फिर गलती कर बैठे आप? देख लो क्यों गलती हुआ, आप खुद सोच लो क्यों गलती की, फिर सोच लो आप। क्योंकि यहां पे विश्व सांख्यिकी दिवस पूछा है, जबकि 29 जून में नेशनल स्टैटिक्स
डे है। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, है ना। तो 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जून, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 22 दिसंबर मैथमेटिक्स डे है क्या, जरा बताइएगा, मैथमेटिक्स डे है क्या 22 दिसंबर? अगर हाँ तो जरा थंब दिखाना बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, भारत के कौन से राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी, हिमाचल प्रदेश। तो भारत के कौन से राज्य नेपाल की सीमा से नहीं लगते? हिमाचल प्रदेश नहीं लगेंगे, यानी अब मैंने दोपहर बताया है भाई, भोजपुरी नख्यावत, उतर उतर बस पंक्चर बा, जब बक्स पंक्चर हो जाता है तो भाई सही है। तो अब किसे यूरोप का कॉकपिट कहेंगे? बेल्जियम को। और तुर्की को क्या कहेंगे? तुर्की को क्या कहेंगे भाई? यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज कहेंगे, है ना, याद रखिएगा। फुटबॉल का मैदान, खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को, खेल का मैदान, मैदान स्विट्जरलैंड को। पृथ्वी के क्षेत्रफल में अफ्रीकी महाद्वीप का प्रतिशत कितना है? अरे अब कहां बफर हो रहा है, रिफ्रेश तो कर लो एक बार। पृथ्वी के क्षेत्रफल में अफ्रीकी महाद्वीप के प्रतिशत की बात करें तो 20% लगभग, 20%। अब टोटल देखो 5, तो कौन कौन? आ, नासा, आईए, यही है। यानी नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप, नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया सबसे ज्यादा 30%, अफ्रीका 20% के लगभग, उत्तरी अमेरिका 16%, दक्षिण अमेरिका 12% और अंटार्कटिका लगभग 9%, यूरोप लगभग 6.5% और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया 5.2%, 5. है ना। नेक्स्ट, ये देख सकते हो कि भाई एशिया नंबर 1 पे, अफ्रीका नंबर 2 पे, नॉर्थ अमेरिका नंबर 3 पे, साउथ अमेरिका नंबर 4 पे, अंटार्कटिका नंबर 5 पे, यूरोप नंबर 6 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 7 पे, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी पुस्तकालय कौन सी है? अन्ना शताब्दी पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, या डेविड ससून लाइब्रेरी मुंबई? चलने दो, चलने दो दीपू जी, चलने दो, वो कमेंट में पता है एक विजय कुमार है, कोई और है, बिल्कुल चलने दो। जबकि आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन की दुनिया में, मैं हमेशा कहता हूं कि जो नाम दिखता है वो होता नहीं है, जो नाम दिखता है वो होता नहीं है। इसका एग्जाम्पल रात वाले क्लास में हो चुका है, क्योंकि आपको पता है वो नाम कुछ और थी, बात हुआ तो निकला कुछ और, इसीलिए भैया बच के रहना, धोखा है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, है ना। नेक्स्ट की बात करें, कौन सी नदी का उद्गम भारत के क्षेत्र में होता है, साथ ही समाप्त होती है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी, चंबल, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो चंबल, ये भारत में निकलती है, भारत से मिलती है, जबकि ये तिब्बत से निकलती है, बांग्लादेश जाती है, तिब्बत से निकलती है, पाकिस्तान जाती है, ये नेपाल से निकलती है, भारत आती है, है ना। तो चंबल एक बारहमासी नदी है जिसका उद्गम जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश है। चंबल का पुराना नाम याद रख लेना चरमावती, चरमवाती सॉरी। इसका प्राचीन नाम चरमवाती, यह नदी दक्षिण की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में मिलती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बाउंड्री सीमा बनाती है। ये इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा, गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और कोटा बैराज परियोजना, है ना, 4। नेक्स्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है?
लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट? सवाल नंबर 14, तो किस में? असम गुवाहाटी में भाई, कहां पे? असम गुवाहाटी में। गुवाहाटी हवाई अड्डे को लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं, और ये असम के मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? अहमदाबाद, मदुरई, रामनाथपुरम, अमरनाथ। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का बोस्टन कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। किसे कहेंगे? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहेंगे, याद रखिएगा। तो अहमदाबाद शहर को गुजरात की पूर्व राजधानी, अभी कौन है? गांधीनगर, जिसे भारत का बोस्टन और क्या हो रहा है यार, आज बात बात में बफर हो जा रहा है, क्या गुस्से होंगे क्या सारे? देखो अब सही है, देखो अब सही है, अब सही हो गया ना। तो कहां पे? ये तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में ना। आगे देखो, उडुपी थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? उडुपी थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? डियर बारिश हो रही है, बारिश के कारण ऐसा हो रहा है, बीच बीच में आ रहा है जा रहा है, बारिश हो रहा है ना बहुत। तो उडुपी थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? बिहार, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो उडुपी थर्मल पावर स्टेशन की बात करें कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक। और कर्नाटक में अगर आप देखोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट कैगा, कौन है? कैगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ढल्लो को सांस्कृतिक नृत्य के रूप में मनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेलिब्रेटेड ढल्लो एज अ कल्चरल डांस? कौन सा राज्य ढल्लो को सांस्कृतिक नृत्य के रूप में मनाया है? कौन सा राज्य? गोवा। कौन है भाई? गोवा। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? विच ओशियन सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम द यूएस? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ओशियन सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम द यूएस? अटलांटिक ओशियन। क्या होगा? अटलांटिक महासागर अलग करता है, आप ये देख सकते हो मैप में। क्या बोला? यूरोप को अमेरिका से, अटलांटिक ओशियन। जिसकी आकृति कैसे देख रहे हो? बिल्कुल एस की तरह है, देख रहे हो? बिल्कुल एस की तरह आकृति है। आप देखोगे तो पैसा यानी पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, इसके बाद अटलांटिक सबसे बीजी, इंडियन ओशियन की बात करें तीसरे नंबर पे, सदर्न अंटार्कटिका की बात करें इसके बाद सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन है ना। और मिरर इमेज कौन बनाता है? साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये मिरर इमेज बनाएंगे दोनों, ये दोनों मिरर इमेज बनाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला आदिवासी उद्यमिता शिखर समागम कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप सबमिट ऑर्गेनाइज इन इंडिया? झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, असम। क्वेश्चन नंबर 20, तो कौन होगा? छत्तीसगढ़ में। तो पहला आदिवासी उद्यमिता शिखर समागम सम्मेलन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। भारत का पहला जनजातीय उद्यमशीलता समागम छत्तीसगढ़ में, बस छत्तीसगढ़ के बस्तर में, दंतेवाड़ा में आयोजित हुआ है, जो इसका आयोजन किसके मदद से? तो नीति आयोग ने अमेरिका के सहयोग से किया है, याद रखिएगा। हमेशा सवाल पूछे जाएंगे किसके मदद से? अमेरिका के मदद से किया गया है, ठीक है भाई, किसके मदद से? अमेरिका के मदद से, याद रखना। नेक्स्ट, पोंगल त्योहार के चौथे दिन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ डे ऑफ पोंगल फेस्टिवल? कनुम पोंगल, सूर्य पोंगल, सूर्य पोंगल, भोगी पोंगल, मटू पोंगल। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ डे ऑफ पोंगल फेस्टिवल? तो पोंगल फेस्टिवल किसे कहेंगे भाई? ये सूर्य पोंगल है, कनुम पोंगल, इसे कन्या पोंगल भी कहते हैं, कन्या पोंगल भी कहा जाता है, कनुम पोंगल याद रखिएगा, कन्या पोंगल या कनुम पोंगल। तो चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में धान की फसल को समेटने के बाद
लोग खुशी जाहिर करते हैं और नई फसल होने से भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो तमिल हिंदू यानी तमिलनाडु में मनाए जाते हैं पोंगल। इस त्योहार को चार दिन मनाते हैं। पहले दिन को क्या बोलते हैं भाई, भेगी पोंगल या भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मटू पोंगल और चौथे दिन को कनुम पोंगल या कन्या पोंगल के रूप में जानते हैं। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। चार दिवसीय पोंगल त्योहार का अंतिम दिन कनुम पोंगल है जो 17 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जिनका निधन हो गया अभी, भूपेश बघेल हैं, रमन सिंह। और याद रखिएगा, अभी तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन यानी 356 नहीं लगा है। ठीक है, आगे देखिए। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 23। तो कहां? कोलकाता। कहां पे? कोलकाता, कोलकाता सिटी। तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में एक शानदार संगमरमर की इमारत है या रानी विक्टोरिया को समर्पित है। यह भारत के वायसराय जॉर्ज कर्जन द्वारा परिकल्पित किया गया था, 1906 से 1921 के बीच बनाया गया था, याद रखिएगा। ये देख सकते हो आप, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग। अगर आप कलकत्ता गए होंगे तो जरूर जाइएगा, बहुत खूबसूरत है ना, बिल्कुल व्हाइट मार्बल। हमें लग ये ताजमहल से प्रेरित है, ताजमहल को देखने के बाद ऐसा बनाने की कल्पना की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को किस शहर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? रायपुर, पटना, जयपुर, भोपाल, क्वेश्चन नंबर 24। तो जयपुर में। कहां पे किया गया है? जयपुर में किया गया माय डियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के जयपुर जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। ठीक है, जयपुर। नेक्स्ट की बात करें, विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया? वेन वाज वर्ल्ड मेरीटाइम डे 2021 ऑब्जर्व 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर? सवाल नंबर 25। तो कब मनाया गया? 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस 2021 मनाया गया। कब मनाया गया बच्चे? 30 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया माय डियर? बेटा मैं जयपुर का ना हूं, रांची का हूं, रांची के लाल एमएसटी नाम सुने हो ना। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करें द्वारा हर साल विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है और यह दिन आमतौर पर सितंबर के अंतिम गुरुवार के दौरान मनाया जाता है। विश्व समुद्र दिवस की बात करें माय डियर, तो आप देखोगे 30 सितंबर को मनाया गया, सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। 30 सितंबर को 2021 को मनाया गया है ना। नेक्स्ट, हम्पी का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ हम्पी? सरवन बिलगोला क्षेत्र, विजयनगर क्षेत्र, पंपा क्षेत्र या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। क्या होगा हम्पी का पुराना नाम माय डियर? हम्पी का पुराना नाम क्या है? पंपा क्षेत्र। देख रहे हो ये कहां? कर्नाटक में है, पंपा क्षेत्र। मुझे पता है विजयनगर लगाएंगे सब, लेकिन चालान कटेगा। देखो, इतिहास और पुरातत्व के लिहाज से हम्पी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 50 रुपये आप देखते हो, देखने को मिलता है। हम्पी को प्राचीन काल में कई नामों से जाना जाता था, जैसे पंपा क्षेत्र, भास्कर क्षेत्र, हम्पे, किष्किंधा। लेकिन हम्पी जो कन्नड़ शब्द हम्पे से पड़ा है और हम्पे शब्द तुंगभद्रा नदी के प्राचीन नाम पंपा से आया है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे और तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा। ठीक है, याद रखिएगा। क्या होगा? पंपा क्षेत्र। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट, 2020 में भारत के सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज मुकुंद नरवाना, विपिन रावत, वीरेंद्र सिंह धनोआ, वीके सिंह? क्वेश्चन नंबर 27।
बताइए क्या होगा? मनोज मुकुंद नरवाने, ये आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। तो विजय दिवस पर सरकार ने करगिल, सरकार ने जनरल बिपिन रावत को उत्तराधिकारी के रूप में किसे मनाया? मनोज मुकुंद नरवाने को सेना प्रमुख के रूप में चुना गया। ठीक है भाई, मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना अध्यक्ष है, करमबीर सिंह नौसेना, और एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना प्रमुख है। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर, कैलिपर्स, एमीटर, डायनेमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, बताइए क्या होगा? क्या होगा माय डियर? फोटोमीटर। क्या होगा? फोटोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, फोटोमीटर का उपयोग किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के संदर्भ में मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 14, 16, 17, 15। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर्टिकल रिलेटेड टू अबॉलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 17। 14 कहता है विधि के समक्ष सब एक समान, 16 लोक नियोजन के मामले में सबको एक समान अवसर, 15 कहता है रेस रिलीजन धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा 15 और 16 केवल भारतीयों के लिए। ठीक है, वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया था? हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई नहीं। सवाल नंबर 30, हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया? वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया था? वास्को डिगामा भारत 3 बार आया माय डियर। कब कब? एक बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार 1524 में। 3 बार आता है भारत। ठीक है, तो पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा मालाबार तट केरल पहुंचा, कालीकट, और पहला यूरोपीय था ये। वास्को डिगामा पहली बार 1497 से निकला और 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा, किससे? केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए। और 3 बार भारत आता बच माय डियर, 3 बार। और 1524 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कोचिन शहर में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखिए कितनी बार? 3 बार आता है। तो ये था आज का सेशन माय डियर, उम्मीद करेंगे कि 30 में से कुछ ना कुछ तो मजा आया होगा, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक वाइक करके जाना बिल्कुल। रात में 10 बजे क्लास है स्टैटिक जीके का अनअकैडमी पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिस मत करना। इसके अलावा अगर आपको लगता है सर कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए और थ्योरी पढ़ने के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करिए एसएससी कैटेगरी में, जहां 12:40 बैच शुरू हुआ है। अभी भी ऑफर स्टिल 21 अक्टूबर तक ये ऑफर है, आज 20 है, कल तक लास्ट है। रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं माय डियर। अगर आपका संविधान बिल्कुल वीक है तो आप हमारे साथ 9:05 पे कहाँ ज्वाइन करिए? रेलवे कैटेगरी में, क्योंकि सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग करिए, सिलेक्शन लीजिए, दैट्स इट। अभी भी इसके प्राइस हाइक नहीं हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिए प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होता है, इस बार रैंकिंग अगर 1 से 3 आता है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। जब भी आप कॉम्बेट दें, अगर आपको कोड मांगता है अनअकैडमी पे कोई भी कोड एंट्री के लिए, स्पेशल क्लास के लिए, तो आप हमारा रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटे। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे फिर नए सेशन में, और रात 10:05 पे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस।